हेलो क्रिएटर्स, वेलकम टू माय चैनल एलिट आर्ट। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इस चैनल पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के स्टिकर्स बनाए हुए हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हुए हमने स्टिकर बुक भी बनाई हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे स्टिकर को ऑर्गेनाइज पर अलग तरीके से। आज हम स्टिकर बुक में ही पर बनाएंगे स्टिकर मशीन। ये दिखने में तो काफी खूबसूरत है और यूज करने में भी काफी इजी है। ये देखिए, तो आज के इस वीडियो में यही स्टिकर मशीन हम बनाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए, बिना स्किप किए देखिए। और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट भी कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी बॉक्स ले लिया और मैंने मेरे पास एक वाइट कार्डबोर्ड था तो उससे मैंने एक फ्लावर ड्रॉ करके उसको भी कट कर लिया। अब मैं यहाँ पर उसको इस तरीके से मेजर करके जो एक्स्ट्रा बॉक्स का पार्ट है वो मैं कट कर दूँगी। तो अब हमारा बॉक्स रेडी है। अब मैंने यहाँ पर दो होम्योपैथी की एम्प्टी बॉटल ली हुई है, एक कार्डबोर्ड और एक पेंसिल। तो दोनों बॉटल के पीछे इस तरीके से हमें क्रॉस में कटर से कट कर देना है। फिर बॉटल को इस तरीके से रख कर हम उसे सेलो टेप से कवर कर देंगे। पूरे टेप को घुमाते हुए हमें अच्छे से उसको कवर कर देना है। अब हम कार्डबोर्ड का जो रोल है उसके सेंटर में यहाँ पर इस तरीके से लगाकर दोनों जो ढक्कन है उसको हम रिमूव कर देंगे और अंदर से हम पेंसिल को दूसरी तरफ निकाल कर इस तरीके से रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर हमारा जो कार्डबोर्ड का फ्लावर कट किया हुआ था वो रखा हुआ है। बस यहाँ पर हमें फेस ड्रॉ करना है और कटर से उसको भी हम कट कर देंगे। ये देखिए, ये रेडी है कट होकर। अभी इसको मेजर करके अंदर के बॉक्स को भी हमें सेम कट कर लेना है। अब चलिए देखते हैं, इसको यहाँ पर सेंटर में रख के मेजर करके दोनों तरफ हमें हॉल कर देना है। अब हमें पेंसिल को भी लगा देंगे। ये देखिए, ये अच्छे से फिट हो रहा है और ये रोल भी हो रहा है। अब इस बॉक्स को हम वाइट पेपर से कवर कर देंगे। फिर फ्लावर को हमें एक्रेलिक पेंट करना है अपने मन पसंद का। और ये जो पेपर है, मैंने स्टिकर पेपर हमने जो बनाया था उसी में जो पेपर यूज़ किया हुआ था वही पेपर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और उसको मैं यहाँ पर रोल करके इस तरीके से रख देते हैं साइड में। जो फ्लावर हमने पेंट किया हुआ है उसकी सारी बॉर्डर पर मैं हाफ बीट्स लगा कर उसको डेकोर कर दूंगी। ये देखिए, अभी हमारा फ्लावर रेडी है, अब उसको स्टिक कर देंगे। अब मैं दूसरी होम्योपैथी की बॉटल ले रही हूँ पर बड़ी वाली, उसको मैं यहाँ से इस तरीके से कट कर दूंगी। देखिए, मैंने दो बॉटल ले ली और अब हम उसको पेपर से कवर कर देंगे। कवर करने के बाद डबल साइडेड टेप लगाकर हम उस दोनों को यहाँ पर नीचे स्टिक कर देंगे ताकि वो हमारा, अब हमें जो हमारा रोल बनाया हुआ है वो हमें यहाँ इस तरीके से अंदर उसको लगा देंगे अच्छे से। अब जो पेंसिल है वो मैंने लॉन्ग थी इसलिए मैंने उसको कट कर दी है और उसको भी हम लगा देंगे। हमारी पेंसिल अभी लगकर रेडी है। ये देखिए, वो ये इजीली वर्क कर रहा है। उसके जो दोनों ढक्कन है उसको हमें रेड एक्रेलिक पेंट करके ग्लू गन से दोनों पेंसिल के कॉर्नर पे हमें उसे स्टिक कर देना है। और ये यहाँ पर मैंने गुगली आइस भी लगा दी और मैंने स्केच पेन से यहाँ पर कुछ फ्लावर भी बना दिए। तो हमारा जो स्टिकर मशीन है वो रेडी है। यहाँ पर मैं फ्लावर के स्टिकर ले रही हूँ और सेलो टेप लेकर हमें हमारे स्टिकर को इस तरीके से उल्टा स्टिक कर हमें जो सारी जो बॉर्डर है सारी बॉर्डर पर हमें इस तरीके से ही हमारे सारे स्टिकर को स्टिक कर देना है। वन बाय वन करते करते हम सारे स्टिकर को इसी तरीके से स्टिक कर देंगे। और ये देखिए, हमारा स्टिकर मशीन है वो रेडी है। अब देखिए, जब भी हमें यूज़ करना है तब हम इजीली उसको पिल करके कहीं भी स्टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।